शिवपुरी जिले के रन्नो थाना क्षेत्र के सजाई गांव के पास शिमला मिर्ची से भरा ट्रक पलट जाने से उसमें दो मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए कोलारा स्वास्थ्य केंद्र और शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रन्नोद थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार रन्नोद से एक ट्रक में शिमला मिर्च को भरकर दिल्ली की ओर ले जाया जा रहा था। ट्रक सजाई और पचावला के बीच एक अंधे मोड़ की पुलिया पर आकर पलट गया। इस हादसे में कई मजदूर ट्रक के नीचे दबने से बुरी तरीके से घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही रन्नो थाना पुलिस ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से ट्रक में दबे सभी मजदूरों को बाहर निकाला। एक मजदूर ट्रक के नीचे तकरीबन एक घंटे तक दबा रहा, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक में 12 से ज्यादा लोग सवार थे। ट्रक के नीचे दबे 10 लोगों को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर कोलारस स्वास्थ्य केंद्र और शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक युवक ने कोलारस स्वास्थ्य केंद्र ले जाते समय दम तोड़ दिया। इस हादसे में लाखन यादव निवासी से सही सड़क और शेलू परिहार की मौत हुई है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।